हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो लेक्चर्स दैट देयर आर 12 टेंसेस। टुडे आई विल टेक द फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को द सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और हिंदी में से वर्तमान अनिश्चित काल भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस या द सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको बताना चाहूँगा कि इसकी हिंदी में पहचान कैसे है, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम मदर टंग के द्वारा या ट्रांसलेशन के मेथड के द्वारा इन फॉरेन लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, इसको हम ट्रांसलेशन के मेथड से समझेंगे कि हमें पहले हिंदी में पहचान करनी है कि अगर कोई हमें हिंदी की बुक मिल जाए और हमें उसमें प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को ढूंढना हो तो हम बड़े अच्छे से पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आएगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह खाना खाता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, वह दौड़ता है, इन सभी सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते है। इट मीन्स ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, वर्तमान अनिश्चित काल है। ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब आपको मैं इसकी इंग्लिश में भी पहचान बताता हूँ कि अगर कोई इंग्लिश की बुक है और उसका वहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया हुआ, तो इंग्लिश की बुक में भी हम कैसे फाइंड आउट करें किसी स्टोरी में, किसी पैराग्राफ में, किसी भी सेंटेंसेस में प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को कैसे ढूंढेंगे। तो उसकी इंग्लिश की पहचान है कि हम किसी भी पैराग्राफ में अगर किसी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फाइंड आउट करते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को देखते हैं, या हम किसी सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं, या इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में डू या डज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। तो आपको हिंदी में पहचान मैं आपको बता दिए कि हर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आना चाहिए। इंग्लिश में पहचान आपको मैंने बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, या नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को बाहर लाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हमें ये समझना है कि इस प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फाइंड आउट करना है कि हम राइट सेंटेंसेस बना सकें। तो आपको मैं 4 सेंटेंसेस जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ कि किन पैटर्न पर, किन रूल्स एंड रेगुलेशन पर हम लोगों ने कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना है, कहाँ डू नॉट लगाना है, कहाँ डज नॉट लगाना है। ये सब चीज़ें मैं आपको इन 4 सेंटेंसेस के माध्यम से पैटर्न ऑफ रूल्स ऑफ सेंटेंसेस फॉर्मेशन के में आपको बताना चाहूँगा कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसमें अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, यू है या प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, तो हमने इस पैटर्न में 2 प्रकार के रूल्स फाइंड आउट करने हैं कि अगर हमें लगता है कि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जिसे हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, जैसे गो, कम, टेक, स्लीप, वीप, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये जब सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल होगा तभी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है अगर जरूरत है तो। जैसे मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ कि आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई प्ले फुटबॉल में अगर मैं ये बोलता हूँ आई प्ले मीन्स मैं खेलता हूँ तो भी ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ वो भी ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो आप लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब और मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, उसके साथ एस और ईएस नहीं होना चाहिए अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल है तो। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद सेकेंड रूल है हमारा कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही से स्टार्ट होता है या शी से स्टार्ट होता है या इट से स्टार्ट होता है, किसी के नाम से स्टार्ट होता है या कोई सिंगुलर थिंग, कोई सिंगुलर पर्सन है
उससे स्टार्ट होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तब हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था आई प्ले, लेकिन अब मैं बोलूंगा ही प्लेज, ठीक है, शी प्लेज ऐसा मैं बोलूंगा, ए बॉय प्लेज ऐसा किस लिए बोलूंगा, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। और सेकंड रूल जो है हमें ये अलाउ करता है कि अगर ये ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर एज ए सब्जेक्ट आएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस जो कि सेकंड सेंटेंस है, जब नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे इसी तरीके से रूल यहाँ भी दो ही है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, यू है, प्लूरल है, तो प्लस में हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने अब तक आपको बोला आई प्ले, अब मैं बोलूंगा आई डू नॉट प्ले। अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो आप बोल सकते हो आई प्ले फुटबॉल और इसका नेगेटिव बनाएंगे आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। और इसके बाद हम लोग अगर सेकंड रूल के अनुसार अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, एनी नेम है या कोई सिंगुलर थिंग या सिंगुलर पर्सन है, तब हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं ही प्लेज पॉजिटिव सेंटेंस है और जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बोलेंगे ही डज नॉट प्ले, ठीक है, शी डज नॉट प्ले। तो हम लोग इसकी सेंस भी बना सकते हैं, ही प्लेज वह खेलता है, वाक्य के अंत में ता है, दी है, और जब बोलेंगे कि शी डज नॉट प्ले वह नहीं खेलता है, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझना है कहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करना है और कहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करना है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, यू है, प्लूरल है, तो नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, एनी नेम है और सिंगुलर थिंग है, तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो लगाएंगे, नहीं है तो रहने देंगे, ठीक है। और इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इसी प्रकार के दो रूल्स हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट हमें लगता है कि आई है, वी है, दे है, यू है, प्लूरल है, तो डू को बाहर ले लेंगे और डू बाहर लेने के बाद इन पांचों में से या तो आई आएगा या वी आएगा चाहे दे आएगा चाहे यू आएगा या प्लूरल आएगा, उनमें से एक चीज आएगी तो हम लोग डू प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन का यूज करेंगे। जैसे डू आई प्ले इंटरोगेटिव साइन, डू आई प्ले फुटबॉल इंटरोगेटिव साइन, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हमें लगता है कि हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, एनी नेम है, सिंगुलर है, तो हम डज को बाहर लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पर्टिकुलर, और उसके बाद डज प्लस में इन पांचों में से एक सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव साइन। जैसे डज ही प्ले इंटरोगेटिव साइन, अगर ऑब्जेक्ट लगाना है डज शी प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार क्लियर हो गए, कैसे बनाने, कहाँ पर डू नॉट लगाना है, कहाँ डज नॉट लगाना है, कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ एस ओ एस लगाना है, ठीक है, और कहां पर डू डज को सब्जेक्ट से पहले लेके आना। अब लास्ट इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज में से एक चीज बाहर लेके आएंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल है तो डू को बाहर लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव साइन, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं डू आई नॉट प्ले इंटरोगेटिव साइन, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, एनी नेम है या सिंगुलर है, तो डज को बाहर लेंगे, तब हमारा सेंटेंस बनेगा डज शी नॉट प्ले इंटरोगेटिव साइन। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट द सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल हिंदी में बोलते हैं, हिंदी की रेकोग्निशन है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है,
और इंग्लिश की रिकॉग्निशन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, वो सब्जेक्ट हमें देखना होगा कौन सा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोगों को अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और डू और डज को बाहर लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मुझे लगता है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी रिकॉग्निशन, इंग्लिश रिकॉग्निशन और उसके बाद इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ये पैटर्न आपने आज अच्छे से समझ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज बताऊंगा कि किन सिचुएशंस में, किन इवेंट्स में, किन कंडीशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो मुझे लगता है आज का वीडियो लेक्चर आपने अच्छे से इंजॉय किया होगा। तो मैं आपको बोलूँगा आई मस्ट से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी पीसफुली। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।